गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज मैं आपको क्या लिखना सिखाऊंगी इंग्लिश में। मैं आपको कई दिनों से स्मॉल लेटर सिखा रही हूँ, है ना, जिसमें मैंने ए लिखना सिखाया और बी लिखना सिखाया, और आई होप कि आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में इसे लिख भी चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर का सी, है ना। तो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालिएगा बेटा और देखकर इसे राइट कीजिएगा। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कैपिटल लेटर का सी लिखना है ना। तो पहले हमें कैपिटल लेटर का सी लिखना है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने आ चुका है ना। तो पहले हम लोग कैपिटल लेटर का सी लिखेंगे, अब हमें स्मॉल लेटर का सी लिखना है ना। तो कैसे लिखोगे? सेम जैसे होता है सी, वैसे ही हमें लिखना है बेटा, बट ये थ्री लाइन में देखो, 1 2 3 तीनों लाइन को मिलाते हुए लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बट हमें स्मॉल लेटर जब लिखना होगा तो हमें टू लाइन की ज़रूरत होगी। तो हमें यहाँ मिडिल से बॉटम लाइन तक ऐसे आपको दो लाइन को मिलाते हुए आपको स्मॉल लेटर का सी लिखना होगा, लाइक दिस, जैसे मैम ने लिखा है। देखो फिर से, जैसे सी लिखा होता है ठीक वैसे ही लिखना है, बट आपको मिडिल लाइन से लास्ट वाले लाइन तक लिखना है ना। आपको इसमें रेड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, स्मॉल लेटर का सी, ओके। तो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में सी लिखोगे, पहले कैपिटल देन स्मॉल लेटर का सी, है ना। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट, मैथ्स में बेटा, मैथ्स में क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैंने आपको 42 तक प्रीवियस वीडियो में लिखना सिखाया था, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 41 के बाद डैश है, तो हमें यहाँ पे 42 लिखकर कंप्लीट कर देना है ना। अब हमें आगे लिखना है, तो चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 41 देन उसके बाद क्या होता है 42, जो कि मैंने लिख डाला है। अब हमें आगे लिखना है, तो आगे क्या लिखेंगे, 43। क्या होता है, 43, है ना। तो 43 को लिखने के लिए हमें बेटा क्या करना है, पहले 4 लिखना है ना, और फिर 3 लिखना है। पहले 4 लिखोगे देन 3, 43। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, 44, है ना। क्या लिखोगे, 4, 4, 44। तो पहले आप लोग ऊपर 4, 1, 41 लिखकर 4, 2, 42 लिखोगे, फिर नीचे वाले लाइन में 4, 3, 43, और फिर उसके बाद 4, 4, 44 लिखोगे। 2, 4, दो बार है ना, तो 4, 3, 43 दो बार लिखोगे और 4, 4, 44 भी दो बार लिखोगे, ठीक है। बाकी जो पेज है आपका वो होमवर्क है। चलिए हिंदी में लिखते हैं, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और आप लोग सुन भी सकते हो। अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो बिजली जो चमक रही है उसकी भी आवाज़ आ रही है, और बारिश भी हो रही है, उस बूंदों की छमछम की भी आवाज़ हो रही है ना। तो कल मैंने आपको, यानी कि प्रीवियस वीडियो में, च छ झ इया कंप्लीट कराया, आज हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए। यस, च छ झ इया के बाद आता है ट, तो हम लोग को ट लिखना है। तो इस तरीके से हमें ट लिखना है ना, दोनों लाइन को मिलाते हुए। ट के बाद क्या होता है, ठ, तो हमने ये ठ लिख दिया। ठ के बाद क्या होता है, ड, तो हमने ये ड लिख दिया। ड के बाद क्या होता है बेटा, ढ, तो हमने ये ढ भी लिख दिया, और ये है मूर्धन्य न। इस न से कुछ नहीं होता है ना, ये जो मूर्धन्य न है इससे कोई भी शब्द नहीं बनते हैं। तो आप भी हिंदी में ट ठ ड ढ न लिखकर इसे कंप्लीट करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, बाय बाय।